हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वेयर डिड द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड? तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट हुआ था यूएसए से। आंसर है सी। और कब? 1803 में। और जिसने इसको किया था, इनका नाम था जॉन मार्शल। ओके, जुडिशियल रिव्यू एज अ डॉक्ट्रिन वॉज डेवलप्ड इन द यूएसए इन 1803 बाई जॉन मार्शल। उस समय के चीफ जस्टिस थे ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के। और जो केस था जिसमें ये दिया गया था, वो केस का नाम था मारबरी वर्सेस मेडिसन केस। इस केस में ये दिया गया था। Who among the following was not a female member of the Constituent Assembly? Constituent Assembly की female member इनमें से कौन नहीं थी? तो देखिए, नील सेन गुप्ता जो हैं ये नहीं थी, बाकी सब थे। Which among the following day celebrated as National Voters Day? National Voters Day कब celebrate किया जाता है? तो ये celebrate किया जाता है January 25 को। 2011 में जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया था, तब उन्होंने 25 जनवरी को एज अ नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। Which of the following committee had recommended the Panchayat Raj Finance Corporation? पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन को रिकमेंड किया था किस कमेटी ने? तो ये थे के संथानम कमेटी 1963। आंसर इज बी। Which of the following were envisaged in the 74th Constitutional Amendment Act? तो 74th Constitutional Amendment Act में क्या दिया गया था? तो ये था Constitution and Composition of a Municipalities। आंसर इज ए। और ये आया था कब था? ये इस एक्ट को लाया गया था 1992 में, और फोर्स में आया था ये 1 जून 1993 से इसको फोर्स में लाया गया था। Constitutional 103rd Act 2019 has made amendment to which of the following parts of the Constitution of India? तो Constitution के किस part में amendment हुआ था? 103rd जो Act आया था, तो ये fundamental rights में amendment किया गया था। इसमें Article 15 and 16 में बदलाव किए गए थे, और इसी में 10% जो EWS का economic backward जो weaker section है, उसके लिए 10% reservation की बात की गई थी इसमें। Okay? EWS की। Which amendment restored the power of judicial review of the Supreme Court and High Court that was earlier curtailed Constitution Amendment Act 1976 by? तो ये था 43rd Amendment Act। आंसर इज ए। 43rd Amendment Act 1977 restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Court in respect of judicial review and the issue of writs. 0 hour in the Indian Parliament start at which of the following time? तो 0 hour कब start होता है? तो ये start होता है 12 PM पे। Answer is B। Okay? इमिडिएटली जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद में 0 hour होता है। क्वेश्चन आवर 11 बजे शुरू होता है, 0 hour 12 बजे से शुरू होता है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी रिफर्ड हुम अमंग द फॉलोइंग? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो कहाँ पे जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आंसर इज बी। और ये लिखा है कहाँ पे? आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा है यहाँ पे। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में कितना गैप परमिशबल है? तो ये 6 मंथ का गैप परमिशबल है, और ये बताया गया है आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।